नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और ये आ गए हम आज एक और दूसरी वेराइटी GIS 9560 सोयाबीन के खेत में। ये देख लीजिए आप, ये 9560 सोयाबीन का खेत। पिछले साल बहुत सारे किसानों को इस सोयाबीन ने गर्द में डाल दिया था, क्योंकि इसमें लगातार वायरस आया हुआ था। बहुत खेत इस सोयाबीन से खाली के खाली हो गए थे। जिस खेत में वायरस आ गया वो अपने आसपास के खेतों को भी ले गया, इतना खतरनाक। पिछले साल इसमें 9560 सोयाबीन में वायरस आया था, जहां आया था वहां पे, और जहां नहीं आया था वहां पे बहुत अच्छी निकली थी किसानों की। कुछ दो एक साल पहले तक ये पहली पसंद हुआ करती थी, क्योंकि सोयाबीन ने सबसे ज़्यादा उत्पादन निकाल के दिया है। लेकिन परंपरागत बीज चलने से कहीं ना कहीं इसमें कुछ वायरस आ चुके हैं, और इस खेत में भी कुछ समस्याएं अभी शुरुआत में ही देखने को मिल गई है। तो उसी चीज़ को लेकर मैं आज वीडियो बना रहा हूं, जिसे हम जड़ सड़न कह दें या इसे वायरस कह दें, लेकिन अच्छे से देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जड़ सड़न वाली समस्या है। तो दोस्तों देखते हैं अपन आगे, समझते हैं इसको। लेकिन उसके पहले आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचता रहे। क्योंकि हम आने वाले समय में लगातार अलग अलग वेराइटियों की जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं उनके वीडियो यहां पर लगातार डालते रहेंगे। तो आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप वीडियो देखकर चले जाते हैं, करते नहीं हैं। तो आप पहले हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहे मेरे साथ वीडियो में आगे। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से सोयाबीनें सूख रही है। ये देखिए यार, ये टूट टूट के गिर रही है जगह जगह पर। ये देखिए आप, ये जगह जगह पर ये समस्याएं इस सोयाबीन में बनी हुई है। ये देखिए, और भी बहुत सारी जगह मैं आपको दिखाता हूँ। अब दोस्तों ये देखिए, ये शुरुआती दौर है। यहाँ इतनी ये जगह में, इस घेरे में ये समस्या आई है। तो देखते हैं अपन इसको। देखिए दोस्तों, में ये कुछ ये पौधे ये ऊपर से पीले पड़ने लगे हैं, और देखिए मैं इसको निकालता हूँ। ये पौधा अभी सूखा नहीं है, लेकिन इसको निकालता हूँ। ये देखिए आप, ये यहाँ पर देखिए, ये इसमें निशान हो चुका है, यहाँ इसमें कट लग चुका है, और ये यहाँ से सड़ गई है। इसे कहते हैं जड़ सलन। ये लाल लाल से आपको इसमें धब्बे दिखेंगे, और ये आपकी जो जड़ें हैं लाल पड़कर सूख जाएगी। ये देखिए, ये इसमें भी ये कट लगा हुआ है। ये इसकी जड़ अभी सलामत है। इस प्रकार के पौधों को ये ऊपर से टूट गया, ऊपर तक सड़ गया। ये इसको कहते हैं जड़ सलन की समस्या। ये स्वस्थ पौधा लेते हैं। ये इसमें भी कट लग गया है, ये भी यहाँ से लाल पड़ने लगी है, और ये जड़ यहाँ नीचे से सूख चुकी है। ये देखिए दोस्तों, ये टूट गई जड़। जो पौधे स्वस्थ दिख रहे हैं, ये देखिए ऊपर से कितना अच्छा स्वस्थ दिख रहा था, यहाँ इसमें धब्बे आ गए हैं, और ये यहाँ पर, ये देखिए यहाँ से ये जड़ सड़ गई है। ये सड़ चुकी है। इसे कहते हैं जड़ सलन। ये वायरस नहीं है, वायरस इसमें अभी नहीं आया है। वायरस वो चीज़ होती है कि वायरस में ऊपर से ये पूरे पीले पड़ते हैं, और उसके बाद फिर ये पूरा पौधा ख़राब होता है। पहले ऊपर से पीला पड़ना चालू होता है। तो दोस्तों ये अभी वायरस नहीं है, जड़ सलन की समस्या है। तो ये जड़ सड़न की समस्या अभी इस
पूरे खेत में ये इतने इतने से हिस्से में, थोड़े से हिस्से में ये आई है। तो हो सकता है, संभव है, बाकी मैं आगे आपको दिखा देता हूँ इस खेत में। ये देख लीजिए, यहाँ बिल्कुल स्वस्थ सोयाबीन है और इसमें से एक पौधा अपन निकाल के देख लेते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ कहीं से कहीं कोई बिल्कुल समस्या नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ है। और वहीं पर ये थोड़ी सी दूरी पर यहाँ बीच में ये इतना इतना जो ये छोटा सा घेरा है, इस घेरे में ये समस्या है। दोस्तों ये शुरुआती दौर है और अगर इस शुरुआती दौर में अगर आप संभल गए तो आप पूरे खेत को बचा सकते हैं, नहीं तो ये है फंगस, इसे कहते हैं फफूंद फंगस, जो कि आपके पौधों की जड़ों को सड़ा रहा है, जो कि धीरे धीरे फैलता जाएगा और कहीं ना कहीं अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो बहुत बड़ा ये नुकसान कर सकता है। अभी थोड़ा सा घेरा गया है, ये ज़्यादा भी इसकी वजह से जा सकता है। तो हमें करना क्या है कि जो अच्छे वाले फंगीसाइड आते हैं, उन अच्छे वाले फंगीसाइड का हमें इन जगहों पर स्प्रे करना है या पूरे खेत में आप स्प्रे कर दीजिए। ये जगह तो विशेष है ही, लेकिन पूरे खेत में हम इसका स्प्रे कर सकते हैं और पूरे खेत में आप अच्छे से इसका स्प्रे कर दीजिए। लेकिन यहाँ एक समस्या ये आ रही है कि इधर खरपतवार नाशक देने का समय है और उधर ही ये समस्या आई है, तो ऐसे में क्या किया जाए, ये सबसे बड़ी समस्या है। दोस्तों मेरा मानना है कि ये सोयाबीन अभी 15 दिन की हुई, 25 दिन तक आप दे सकते हैं, तो 25 दिन की ये सोयाबीन होगी तब आप खरपतवार नाशक दे लेना, लेकिन पहले आप अच्छे फंगीसाइडों का जो इसमें छिड़काव कर दीजिए। इस प्रकार की अगर समस्या आ रही है तो पहले आप फंगीसाइड दे लीजिए, नहीं तो ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और फिर ये रोकथाम नहीं होगी, इसको जाना ही जाना है। इसमें से अभी बहुत सारे पौधों को बचाया जा सकता है और बहुत सारे तो इसके गए हैं, लेकिन बहुत सारे पौधों को इतनी जगह के भी बहुत सारे पौधों को बचाया जा सकता है। और बीच में भी मैंने जहाँ बिल्कुल स्वस्थ खड़ी, बिल्कुल अच्छी खड़ी है, वहाँ पर भी कोई कोई पौधों को सूखा हुआ देखा है, तो वो वहाँ से भी जगह जगह पर फैलेगा। हमें कौन से फंगीसाइड लेने हैं, इसके लिए आप अपने खेत से ऐसे 10-20 पौधे निकाल के ले जाना, दुकानदार को बताना और कहना अच्छे वाले फंगीसाइड दे दो, वो बहुत अच्छे से फंगीसाइड दुकानदार आपको दे देंगे। और इससे जैसे टर्माजोल जैसे बहुत सारे आते हैं फंगीसाइड जो कि इसी के काम के हैं, वो सही हो जाएगा, उससे काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलेगी और काफ़ी हद तक ये सोयाबीन सही हो सकती है। लेकिन दोस्तों अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो कहीं ना कहीं नुकसान उठाने को मिलेगा, तो इसीलिए थोड़ा सा इस समय सावधान रहें, अपने खेतों का निरीक्षण करते रहें। ये देख लीजिए, ये बीचे बीच समस्या आई है, चारों तरफ से खेत बिल्कुल स्वस्थ है, हरा भरा है, सब तरफ से सही था, यहाँ बीच में जाके ये थोड़ी सी जगह में समस्या आई। अब अगर यहाँ नहीं आते और इस जगह पर नहीं देखते, मेड़ों मेड़ों पर से घूम कर निकल जाते तो ये समस्या रह जाती, और फिर जब बहुत ज़्यादा क्षेत्र में फैल जाता, जब जाके फिर हम दवाइयाँ करते तो हम बहुत बड़ा नुकसान उठा लेते। तो दोस्तों अलर्ट रहिए, खेतों का निरीक्षण करते रहिए, बीच बीच में भी निकलते रहिए क्या स्थिति है, और बीच में जहाँ ज़्यादा बीज डले हैं वहाँ से सोयाबीनें निकाल कर देख लीजिए ताकि आपका नुकसान भी ना हो, और बीच बीच में देखते रहें जड़ों में कोई समस्या तो नहीं चल रही है, जड़ें किस प्रकार से ग्रोथ करिए, केवल पौधा ही ग्रोथ नहीं करना चाहिए, जड़ें भी ग्रोथ करना चाहिए, तो इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए और हमें अलर्ट रहना चाहिए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो और ये हमारे 95-60 सोयाबीन अच्छी लगी हो, हालांकि आप इसको अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और संभव हो सके तो इस किसान के चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार।